Hi folks and welcome back to yet another Tata Nano video. And आज के वीडियो के लिए मैं पहले आपसे अपॉलॉजी मांगने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बेताब वेट कर रहे थे, बट ड्यू टू सम अनफोर्सिन रीजंस ये बस डिले पे होता रहेगा. बट नो मोर एज यू कैन सी बॉक्सेज आर हेयर एंड एक बॉक्स गाइज है टाटा का एंड एक है गाइज प्लेन जेन. एंड इसके अंदर गाइज जो हेडलाइट्स हैं वो बनाने वाला एक ही ब्रांड है, बट इसकी ओएम पैकेजिंग है और ये नॉर्मल है. सो ब्रांड जो बनाने वाला है गाइज वो है लूमैक्स. ये भी लूमैक्स ने बनाई है बट समहाउ मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है. एंड इसके अंदर हैलोजन बल्ब भी फ्री में मिलता है, इसमें कोई बल्ब नहीं है. अभी आपको एक एक करके खोल के दिखाऊंगा, तो उससे पहले ये जो अपनी ऑरेंज वाली लाइट्स हैं इनको निकालना है. सो इनका प्रोसीजर गाइज मैंने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी बारी दिखा रखा है कि हेडलाइट कैसे खोलने ना, क्योंकि सिर्फ दो बोल्ट्स पे है, कोई बम्पर नहीं खोलना है, कुछ नहीं खोलना, बहुत ज़्यादा इजी काम है. सो जस्ट गाइज बॉनेट खोलना है. बॉनेट का जो लेवर है वो डैशबोर्ड के इस साइड पर लगा हुआ है एंड इसको खोलने के बाद गाइज आपको मैं अभी चारों के चारों बोल्ट्स दिखाता हूँ. जस्ट ये बॉनर हमारा ओपन हो गया. सो इस साइड के हेडलाइट के गाइज बोल्ट है, एक यहाँ पर दे रखा है एंड एक यहाँ पर दे रखा है. सिमिलरली एक इस साइड है एंड एक इस साइड है. सो बहुत ही सिंपल, अब इन्हें खोलेंगे तो काम बन जाएगा. अब खोलना कैसे है, आप सॉकेट यूज़ कर सकते हो कस्ट 10mm का, या फिर रेंच यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी यूज़ कर सकते हो. सो उसको बस सही डायरेक्शन में आपने देना है. एंटी क्लॉक वाइज में खुलेगा, क्लॉक वाइज में वो बंद होगा, जस्ट लाइक दैट, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ. सो जस्ट लाइक दैट ये हेडलाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी. फाइनली गाइज चारों बोल्ट खोल दिए हैं, काफ़ी जंग लग गया इनके ऊपर एंड गीले भी है ना, अभी जस्ट अभी कार वॉश की है. एंड अब गाइज पीछे का नहीं, ये वाला जो कनेक्टर है ना ये वाला निकालना है, क्योंकि ये हेडलाइट का कनेक्टर है. एंड इसको भी थोड़ा साफ सूफ कर देंगे, उसके बाद निकालेंगे. अभी हेडलाइट फ्री है, इसका जो कनेक्टर है वो बस अंदर थोड़ा सा दबा हुआ हेरा एंड इसको ऐसे दबाना है कोनों से एंड ये आ जाएगा बाहर जस्ट लाइक दैट. इसको क्लीन करूँगा अभी मैं पहले, फिर नए हेडलाइट लगाना स्टार्ट करूँगा. अभी इन दोनों को निकाल के वहाँ रखते हैं अंदर कहीं. एंड वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होता है ये एंड ये हेडलाइट हो गई गाइस फ्री, कुछ भी नहीं. अपन नीचे काफ़ी गंदगी है, आई होप कि प्रेशर वॉशर बंद ना किया होता तो अभी गिर गई, कोई बात नहीं. चिकना हो गया यार रात. फाइनली गाइस क्लीन इट जितना कपड़े से पॉसिबल हो पाया, स्टिल बहुत गंदा है, पर कुछ जगह पे जंग वंग लग गया है अंदर की साइड पे, जो कि पता नहीं चलता बट हाँ लग जाता है. सो फिर कभी करेंगे. एंड दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिली है मुझे, और एक तो ये जो वॉशर फ्लूड की पाइप है ये कटी पड़ी है, सम चूहे चुहे का वर्क होगा. एंड ये जो अपना ये अभी टूटा है और इसकी तार पहले ही निकली हुई थी, कहाँ गई ये रही, तार ख़राब भी हो चुकी है ये. सो ये बेसिकली ये था, सेंटर लॉकिंग के साथ था, अगर बॉनेट भी खुला होता था ना तो अंदर की इंटीरियर लाइट ऑन हो जाती थी. सो इतना कुछ मैटर नहीं करता ये, बट ये पाइप मुझे ठीक करनी पड़ेगी. उससे पहले आज हेडलाइट्स का ही काम करते हैं एंड अभी देखो कैसी लग रही है नैनो बिना हेडलाइट्स के. राइट आइटम. सो सबसे ऊपर वाला बॉक्स ही खोलते हैं पहले लूमैक्स, वो है अपनी राइट हैंड साइड की लाइट, यानी कि ये वाली शायद. चलो खोलो. बॉक्स खोलने से पहले गाइस मैंने कनेक्टर्स भी क्लीन कर दिए हैं एंड ये देखो गाइस ब्रांड न्यू हेडलाइट. और इसका प्लास्टिक निकालने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं करने वाला, बट अनफॉर्चुनेटली करना तो पड़ेगा, क्योंकि तभी इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा एकदम सेक्सी सा. एंड इसके अंदर आप नोटिस करो कोई भी बल्ब नहीं है साथ में. सो इस साइड वाली जो लाइट का था ना वो मैंने वहाँ रखी अंदर, उसी के निकाल के इसमें डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. तीनों ही नहीं है, मीन इंडिकेटर, पार्किंग और हेडलाइट मेन H4. सो फिटिंग कर लो जी गाइस. आ गए हैं बल्ब, ये एकदम ओके है, ये दोनों थोड़े गंदे हो रखे हैं तो इन्हें पहले क्लीन करूँगा इससे एंड उसके बाद जोड़ दूँगा. लूमैक्स की क्वालिटी की मैं बात कर रहा था ना, इंडिकेटर का जो ये होल्डर है इसके जो कट्स है ना ये 50-50 पे नहीं है. सो इस बल्ब को ठूसना इतना मुश्किल हो गया अंदर. अब ये देखो ये इसकी चोंच कहाँ पर है, एकदम आप सेंटर में देखो बिल्कुल चोंच, एक साइड पर आएँ और ये भी ट्विस्ट भी नहीं हो रहा. आई डोंट नो कि चलता भी है कि नहीं. क्या यार क्वालिटी कंट्रोल कितना बेकार है, ये 50-50 पे होने चाहिए ये कट्स बिल्कुल, क्योंकि जितने भी बल्ब्स मैं लेके आऊँगा ना सारे के सारे में जो पिन होंगी वो 50% पे आती हैं. अब इसमें ऐसा चेक दिस आउट यू गाइस, फाइनली एक को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, कनेक्ट भी कर दिया है. अब एक पहले इसको ऑन करके देखता हूँ कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे रेक्टिफाई करेंगे, देन सेकेंड में लगा देते हैं. सेकेंड में तो कुछ नहीं कर रहा, उसमें बल्ब लगे हुए हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ नहीं था. एंड इंडिकेटर वाला तो सीन ही अजीब था यार, बहुत ही बेकार. अभी बोल्ट्स नहीं कसे हैं मैंने, सो एक काम करते हैं पहले इसको ज़रा चला ही लेते हैं एक बारी. हेडलाइट तो चाबी के बाद ही होगी, क्योंकि वो होता ना इग्निशन होना ज़रूरी. अरे वाह, हेडलाइट ऑन, पार्किंग बल्ब आल्सो ऑन एंड अभी बारी है इंडिकेटर की. नहीं चल रहा इंडिकेटर, नहीं चल रहा है. अच्छा इसमें तो मुझे ऑरेंज बल्ब डालना पड़ेगा यार,
ओके तो इसमें तो मुझे ऑरेंज बल्ब डालना पड़ेगा, वो अब इस टाइम नहीं मिलेगा, तो कल ही मिलेगा क्योंकि पहले वाली हेडलाइट में ना जो इंडिकेटर का एरिया था वो ऑरेंज था एंड बल्ब उसमें नॉर्मल येलो था, इसमें फ्लैट है तो इसमें मुझे ऑरेंज बल्ब चाहिए। डैम ऑरेंज बल्ब प्रीटी कूल यार, प्रीटी कूल बॉक्स, एंड इसका बॉक्स की शेप भी काफ़ी डिफरेंट है एंड इसके अंदर सारे हैं चीज़ें, ऑरेंज बल्ब, हैलोजन एंड पार्किंग, तीनों हैं, बस इसको उठाना है और वहाँ पर कनेक्ट करना है। दिस आउट यू गाइस फाइनली। अब एक मज़े है ना, बहुत अच्छी बात यहाँ पे लग रही है क्योंकि गाड़ी का कलर है सिल्वर एंड सिल्वर के साथ ये एरिया ना काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। अभी बॉनट ऑफ करूँगा, क्लोज करूँगा बेसिकली नॉट ऑफ, सो एक बार चालू करके देख लेते हैं एंड जस्ट थोड़ी देर में ना जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ना पिच ब्लैक वाला तो लेके चलेंगे गाड़ी को बाहर एंड इंडिकेटर भी चालू कर देते हैं। ओके सो यहाँ पे अब लाइट देखो, लाइट्स तीनों ऑन यहाँ पर, तीनों ऑन यहाँ पर एंड ऑरेंज की वजह से इंडिकेटर कितना प्यारा लग रहा है। सो आई जस्ट नीड एन ऑरेंज बल्ब टू कंप्लीट दैट। सो अभी कुछ बोल्ट्स कस देता हूँ एंड बाकी रात को पता चलेगा कि इसको अलाइनमेंट की नीड है या नहीं, बेसिकली फोकसिंग की। सो मज़ा तो बहुत आ रहा है, बोल्ट्स कस के इसको बंद करते हैं एंड असली काम तो रात को ही पता चलेगा। नट्स बोल्ट्स कस दिए गए हैं, इसको ऊपर करते हैं, फंसाते हैं एंड ये वाओ गाइस, वाओ, नानो की पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। अभी ऊपर से मैंने प्लास्टिक नहीं हटाया है बट हटा तो मैं दूंगा ही, एट द एंड ऑफ द डे हटाना तो देखो पड़ेगा ही। अभी एक बार ऑफ करें लाइट्स, पूरी ऑफ, फुल ऑफ। कल डे लाइट में एक सीक्वेंस बनाऊंगा इसका, फिर आपको दिखाऊंगा। अभी एक आपको ब्लू दिख रही होगी, एक वाइट दिख रही होगी क्योंकि उसके ऊपर ब्लू प्लास्टिक लगा हुआ है और इसके ऊपर वाइट प्लास्टिक लगा हुआ है। इन एनी केस आई एम गोना रिमूव बोथ ऑफ देम, मन नहीं कर रहा हटाने का लेकिन हटाऊंगा तो ज़रूर हटा देते हैं एंड फिर थोड़ा और अंधेरा होने का वेट करते हैं, फिर चलते हैं ज़रा टेस्ट ड्राइव पे एंड आई होप कि इसको अलाइन वलाइन करने की इशू ना हो क्योंकि फिर से खोलना पड़ेगा यार सारा कुछ। ब्लू प्लास्टिक पहली बार मैंने किसी चीज़ को ऐसे इंस्टॉल करके ना इमीडिएटली प्लास्टिक हटाया होगा, मैं वैसे नहीं हटाता, मेरी आदत है वो टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी यू नो लॉल्स। यहाँ पे तो इसको नहीं हटाऊंगा ना तो हेडलाइट का पता नहीं चलेगा कि कितनी सही चल रही है कितनी नहीं चल रही है, बट अभी आप देखो इट इज़ लुकिंग सुपर्ब एंड अब बंद करके जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा था ना अब नहीं दिखेगा। वाओ जस्ट वाओ नानो तो हो गई गाइस ब्रांड न्यू, वाओ मैन कोई कह सकता है 11 साल पुरानी गाड़ी, जस्ट हेडलाइट चेंज करी है और पेंट ओरिजिनल है इसका आज भी बोनट पे। अभी मैं नानो को लेके निकला हूँ एंड अब आपको हेडलाइट के बारे में दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सो फर्स्ट इंप्रेशन गाइस, लाइट की लुक तो बहुत ही सेक्सी है बट अभी एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि गाइस फोकसिंग की, मुझे लगा था कि नहीं आएगी बट आ गई है। एक हेडलाइट काफी ऊपर की तरफ लाइट फेंक रही है और एक थोड़ा नीचे की तरफ, तो दोनों आपस में अलाइन नहीं है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंड अभी मैं बिल्कुल एक पिच ब्लैक वाली जगह पे जा रहा हूँ, उससे जाने से पहले आपको रोड भी दिखाऊंगा। सो पहले पहुंचते हैं, चलो आपको दिखाया था उसके बाद बात करते हैं। चेक दिस आउट गाइस, लाइट तो है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही चलाने में, ये देखो बंद कर दिया अभी मैंने आपको दिखा पैच,
ये ऑन कर दी, ये हाई बीम, पर अभी ये किसी और साइड जा रही है, नोटिस कर रहे हो आप? तो मैं ग्राउंड में पहुंच गया हूँ, फोकस आउट है, देर वी गो, एक मिनट मैं जरा सेंटर में पहुंच गया ना, फोकस लेने की कोशिश करता हूँ, अंधेरा ज़्यादा होता है ना तो फ़ोन बेचारा फोकस नहीं ले पाता। तो अब गाइस सब कुछ फोकस में है, अब ये लाइट नोटिस करो, कट ऑफ लाइन दिखी नहीं रही है कोई कट ऑफ लाइन, बाहर से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह का पैच यहाँ पे दिख रहा है, और हाई बीम, ये हाई बीम, तो लाइट की आप बीम्स देखो यहाँ पे दोनों बीम्स दिख रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है ना, ये वाली, ये देखो जो सेंटर में अभी ये जा रही है बिल्कुल सीधी, सो इसको थोड़ा सा हमें राइट साइड टर्न करके थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है, एंड जो ये वाली बीम है अपनी राइट हैंड साइड वाली, ये ज़्यादा नीचे जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पे एक हीट स्पॉट जो कह लो या फिर ब्राइट स्पॉट आप कह लो वो ये है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है अभी ये है। फ़ोन के कैमरा पे तो थोड़ा सा ग्लो एक तो ज़्यादा आ रहा है, जबकि इतना ग्लो है नहीं, लाइट अच्छी आ रही है लेकिन कट ऑफ लाइन नहीं है इस टाइम पे। आप नोटिस करो यहाँ पे पेड़ के पास भी कुछ लाइट आपको दिख रही है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइट है वो ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है। यार इसको अलाइन करने में ना, सीरियसली बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप सबको इसको अलाइन करने में मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है यार। अब प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पुंटो में किया था, पुंटो में गाड़ी ऐसी लगा के मैंने ऐसी अलाइन करा था तो हो गया था, अब इसके अंदर ना हाथ नहीं जाता पीछे क्योंकि जगह ही नहीं है, क्योंकि नैनो के हेडलाइट्स बड़े हैं और आगे का बोनट छोटा है, तो वहाँ पे हेडलाइट की पीछे जगह ही नहीं है, यहाँ कि आप हाथ डाल लो या कुछ घुमा फिरा लो, तो इसको उतार उतार के करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। चलो इसके बारे में कुछ सिग्नम निकालते हैं और फिर कुछ करते हैं, बाकी मैं आपको कुछ सिनेमैटिक्स देता हूँ अभी देरे में, एंड फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को तो एंड करते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो हेडलाइट अलाइनमेंट का वीडियो तो डेफिनेटली आएगा, और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो भी आने वाला है हेडलाइट्स पे, सो बने रहना।